नमस्कार आप सभी को, मैं नीलम देवदी आप सभी का स्वागत करती हूँ नीलम की रसोई में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ छोटे आलू से आलू पटक। और प्लीज़ आप हम मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो आजकल नए आलू आते हैं मार्केट में, तो उसकी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो ये छोटा आलू हमने लिया और इसको छिलका उतार के अच्छे से धुल लिया, क्योंकि आजकल मिट्टी ज़्यादा होती है आलू में। अच्छे से सफाई कर लिया इसको, उसके बाद इसको किसी या तो आप किसी भी चीज़ से ऐसे करके इसको हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके ये ऐसे करके आप रखते जाइए, जितने भी आपके पास आलू हों ऐसे हल्का हल्का, मतलब टूटना नहीं चाहिए, बस ऐसे दब जाए। मम्मी की जैसे आप फोड़ मत दीजिएगा, हल्का हल्का होना चाहिए। चाहे तो आप ऐसे ओखली में भी कर सकते हैं, इसको रख के कम कम 3 से 4 बार हल्के हाथ से, ये 2 बार 3 बार किया। ये हमने आलू को तोड़ लिया इसको, और ऐसे मतलब टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको ऐसे तोड़ लिया। अब इसको हम हल्का सा तेल में थोड़ा सा तल लेंगे, हल्का सा तेल डाल के, जैसे मर्जी आप, लेकिन मैं यहाँ पे हल्का सा, नहीं भी तलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा तल ले रही हूँ। और इसमें हम ये थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के और इसको ऐसे मिक्स करके, और फिर ये तेल गर्म हो रहा है और इसको हम इसमें डाल के हल्का सा पका लेंगे तेल में। और आप चाहे तो उसके बगैर तल, मतलब बगैर पकाए तेल में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये डाल दिया, ये पकता रहा। तो ये हमारे इस तरफ, ये हम थोड़ा सा आलू को पका दे रहे हैं तेल में, लाल मिर्च और वो नमक डाल के। उसके बाद इधर हम कुकर में रखेंगे, और इसके लिए 3 बड़े बड़े प्याज ले लिए, इसमें थोड़ी प्याज की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। और छौंक के लिए 2 साबुत लाल मिर्च ले लिया, 2 हरी मिर्च ले लिया। और ये पककर कुकर गर्म हो रहा है, तो ये कुकर गर्म हो रखा है। अब इसमें हम तेल डालेंगे और तो फिर तेल गरम हो गया, और इसमें मेथी डालेंगे, और मेथी हो गया, ये 2 साबुत लाल मिर्च डालेंगे, और ये प्याज है, और जब तक तो मीडियम कर लेंगे, उसको पकने देते हैं। उसके बाद से हम इसमें लेंगे पीसने के लिए, ये जीरा है, काली मिर्च है 3-4, और ये थोड़ा सा गरम मसाला होगा, अदरक है थोड़ा सा, और ये लहसुन है 4 से 5, इसको लेंगे, और ये टमाटर इसमें डाल के और इसको पीस लेंगे। और 3 हमने इसमें बड़ा बड़ा ये टमाटर ले लिया, टमाटर थोड़ा सा, टमाटर की मात्रा होनी चाहिए ज़्यादा, और इसमें डाल लेंगे और इसमें इसको पीस लेंगे। तब तक ये आलू आप देख सकते हो, ये आलू वैसे तो कुकर में हमें सीटी लगानी है, लेकिन अपने हिसाब से आप इसको तल सकते हो, नहीं भी तलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सोच रही हूँ तलने पे थोड़ा सा और स्वाद इसका बढ़ जाएगा। आप देख सकते हो ये प्याज हमारा भून रहा है, बस ये ब्राउन होने तक, ऐसे हल्का ब्राउन होने तक इसको भूनते रहेंगे। ये हमारा जो ये प्याज है ये भुन गया है, ब्राउन कलर में हो गया है। अब ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था, अब हम इसमें डालेंगे, इसको साथ में इसको भून लेंगे। बाकी इसके ऊपर से ये थोड़ा सा गरम मसाला ले लिया, और ये हल्दी ले लिया, आप मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं। तो इसमें डाल के ये साथ में इसको अच्छे से पकाएंगे, थोड़ा ये पक जाए, उसके बाद ऊपर से ये हम गरम मसाले डालेंगे, हल्दी डाल दे रहे हैं पहले,
हल्का सा पकने दें। देखिए जैसे अब हो रहा है, अब ये जो है ना, ये अब ये मसाला, गरम मसाला और मिर्च इसके ऊपर से डाल देंगे। ये बस अब पकने ही वाला है। और बाकी ये जो आलू हमारा है, ये मतलब ज़्यादा नहीं पका है, हल्का ही है, हल्का सा हमने इसको तल दिया, देख सकते हो। क्योंकि एक सीटी मेरे को लगाना है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं पका है। सीटी लगने पे थोड़ा और बढ़िया बन के आता है, और जितना ही छोटा आलू हो उतना ही बढ़िया बनता है। और आजकल जो नया आलू आता है तो उसमें और मतलब स्वाद का बनता है। आजकल आलू जो आता है उसमें ज़्यादा स्वाद आता है। आगे एक बार प्लीज़ आप लोग ट्राई करिए और अच्छा लगेगा। तो ये मसाला जो है ये भुन गया, ये कुकर में जो है ना तेल अलग हो गया, इसके मतलब ये मसाला हमारा पक चुका है। और इसमें अब हम डालेंगे इसमें पानी, थोड़ा कम ही, ज़्यादा कड़ी नहीं, थोड़ा कम ही होना चाहिए। और ये पक जाए, अब ये उबलने को है, इसमें नमक डालूंगी, थोड़ा कम ही डालूंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च से हमने आलू को थोड़ा सा तल लिया था, इसलिए थोड़ा नमक कम ही डालेंगे। और अब ये उबलने को है, अब इसमें हम जो ये आलू है रखा हुआ है, अब इसमें हम डाल देंगे ये आलू, हमने डाल दिया। और ये देखो आप कितना अच्छा इसका कलर आया है, और बहुत ईजी तरीके से, और खाने में भी काफ़ी स्वाद लगेगा। आप लोग प्लीज़ एक बार ट्राई करिए। अब इसमें पहले से तो तल चुकी है उसको, हल्का सा हो गया है, लेकिन इसमें क्या है, हल्की सी एक सीटी लगा देंगे, ज़्यादा नहीं इसको, थोड़ा इसको धीमी थोड़ी तेज आंच पे कर देंगे ताकि जल्दी सीटी लग जाए, ज़्यादा लगेगा तो गल जाएगा फिर आलू। ये सीटी लग गई, बल्कि हल्की सी सीटी लगानी थी, क्योंकि हमने पहले उसको तल लिया था तेल में। इसके ऊपर से हम धनिया ये काट के पहले से रखा है बारीक, और इसमें ऊपर से इसको ऐसे डाल लेंगे। इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है, ये आलू भी पक चुका है, देखो आप हल्का, देखिए अच्छे से पक गया है, और साबूत का साबूत भी है, देखो। आप इसको चाहे तो आप पटक के बनाओ, या उसमें सुराख करके आप बना सकते हो, लेकिन पटक के सही लगता है, बाकी आपकी मर्जी। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका कलर आया है, इसको आलू दम भी बोलते हैं, आलू पटक भी बोलते हैं। और आप लोग प्लीज़ एक बार ट्राई करिए, और यकीन मानिए बहुत अच्छा टेस्टी लगेगा आप लोगों को। और प्लीज़ आप लोग शेयर करिए।